dear students in this module we are going to discuss innovation and education and how they both are integrated to each other innovation is the process of creating new ideas new products or technologies that can transform the society on the other hand education plays an important role in fostering innovation by providing individuals with the knowledge एंड स्किल्स नेसेसरी टू जनरेट एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज़ इंसान जो है वो क्योंकि क्रिएटिव बींग होता है उसके अंदर तख्लीकी सलायतें मौजूद होती हैं इस वजह से इनोवेशन जो है वो इंसान का खासा होता है अब इसके साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसका जो एक मेजर रोल होता है वो ये होता है कि उसकी तखलीकी सलाहियतों को कैसे निखारा जाए और उनसे किस तरह से काम लिया जाए अब ये जो इनोवेशन है ये मुख्तफ लोगों के दरमियान इसकी सलाहियत जो है वो मुख्तलिफ होती है ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो एक ही तरह की सलाहियतों का मालिक हो मिसाल के तौर पर कोई अच्छा पेंटर हो सकता है कोई अच्छा जो है वो आइडियाज़ तख्लीक कर सकता है कोई अच्छा शायर बन सकता है कोई अच्छा म्यूज़िशन बन सकता है या इसके अलावा जो है कोई अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है तो ये सारी जो इनोवेटिव एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज होती हैं वो इंसानों के अंदर मौजूद होती हैं डिपेंड करता होता है कि किसी भी इंसान का रुझान जो है वो किस तरफ़ है लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो अहम रोल होता है वो एजुकेशन सिस्टम का होता है कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम किस तरह से उसकी जो इनोवेटिव एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं उनको निखारता है और उनके लिए जो है एडिकेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए वो अपनी उन इनोवेटिव स्किल्स को एक्सप्रेस कर सके इन पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल देर सेवरल इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड एजुकेशन सच एज़ द इस्टेबलिशमेंट ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन द क्लासरूम पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बहुत से इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स uh, मौजूद हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपनी तहलीकी सलाहितों को एक्सप्रेस कर सकते हैं वहाँ से सीख के जो है नई नई चीज़ें बना सकते हैं लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली महदूद हैं ए, एक ख़ास क्लास तक जिसकी वजह से जो पोटेंशियल सोशल इनिटी है उसको हम यहाँ पे भी जो है महसूस कर सकते हैं सो इनोवेशन इन एजुकेशन कैन टेक मैनी फॉर्म्स सच एज़ न्यू टीचिंग मैथड्स इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू करिकुला तो एजुकेशन की फील्ड के अंदर भी हम नई नई इनोवेशन की वजह से नई नई तब्दीलियाँ देख रहे हैं जिससे कि हमारी लर्निंग जो है वो नस्बता आसान हो रही है हमारे पास जो लर्निंग के डिफरेंट रिसोर्स हैं आज वो अबंडटली अवेलेबल हैं ट्रडिशनल या कन्वेन्शनल लर्निंग सिस्टम की नस्बत आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है यूज़ ऑफ इंटरनेट है टैबलेट्स है मल्टी मीडिया है तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपनी लर्निंग प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं बाय फोस्टिंग द इनोवेशन इन एजुकेशन वी कैन प्रमोट एकनॉमिक ग्रोथ सोशल डिवेलपमेंट एंड इंडिविजुअल वेलबींग हाउ एवर इनोवेशन इन एजुकेशन कैन हैव अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज सच एज एग्जैसरबेटिंग एग्जिस्टिंग इन इक्वालिटीज़ एंड री इन्फोर्सिंग द डोमिनट कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज तो जो एग्जिस्टिंग इन इक्वालिटीज़ हैं वो फर्दर एग्जैसरबेट हो रही हैं फ़र्दर उनको जो है मजीद तकवीत मिल रही है इस वजह से क्योंकि जो एलिट स्कूल सिस्टम है या एट एजुकेशन सिस्टम है वो तो नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं जबकि बाक़ी जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है वो उसी तरह से ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर होते हैं जिसकी वजह से वो जो गैप है वो मजीद बढ़ जाता है तो इट्स फूड फोर थाट फॉर यू अगेन आप देखें और एक कंपेरेटिव अनालस करें कि वो कौन कौन सी इनोवेशन के ऊपर बेस करती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एलिट स्कूलिंग सिस्टम के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट जो हमारे पब्लिक स्कूल सिस्टम हैं वो उनसे कितना पीछे हैं और इसकी वजह से उनकी लर्निंग के ऊपर क्या असरा मुरतब हो रहे हैं